संगीत सुधा बरस। नमस्कार, दिस इज अनल चटर्जी। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू म्यूजिक लर्निंग वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी जो हर रोज़ की रियाज उसमें बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। मेरा जो सिखाने का अनुभव है, सिखाने का जो एक्सपीरियंस है, उससे मैं देखा कि गाने बजाने में सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस जो है, दैट इज़ लॉन्ग नोट प्रैक्टिस। एक एक स्वर को लंबा करके गाने का जो प्रैक्टिस है विद डिफरेंट वावल्स, वो सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस है, क्योंकि उसमें आवाज़ का स्टेडीनेस, पॉइंटेडनेस, ये सब चीज़ डेवलप होता है। लेकिन सबसे बोरिंग या सबसे मोनोटोनस प्रैक्टिस अगर बोला जाए म्यूजिक में, तो यही है। कोई तैयार नहीं रहता है कि अरे चलो सुबह हो गया, तानपुरा लेकर लंबा करके करके एक एक स्वर बोलते हैं। तीन चार बार बोलने के बाद तो बोर्डम आता है, थोड़ा मोनोटोनस लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा नींद भी आना शुरू होता है, ये सब चक्कर आता है। तो मैं सोच रहा था कि कैसे इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ताकि करने में भी एक आनंद हो, एक चैलेंज हो, और वो प्रैक्टिस जो कि लॉन्ग नोट का है वो भी आराम से हो जाए। नॉर्मली क्या करते हैं हम जब लॉन्ग नोट प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें कोई टाइम का पाबंदी रखते नहीं कि ओ लंबा करके बोलते रहते हैं, लेकिन कितना लंबा बोले उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इफ यू प्रैक्टिस दिस थिंग विथ एनी ताल, जैसे कि तीन ताल में हम लोग कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक किस्सा रे, ये फिलहाल नॉर्मल है। लेकिन यही चीज अगर मानिए कि आप झपताल में प्रैक्टिस करें, तो धिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन, एक थोड़ा टेम्पो बढ़ा के, ताकि इसका आनंद आए कि सा रे, दो आवर्तन करके एक एक स्वर बोल रहा हूं। तो देखिए, दो आवर्तन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसमें अटेंशन बढ़ेगा, लाइक सा रे, और हाथ में क्या चल रहा है, धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना दे सा गा। और क्या कर रहा हूं, लास्ट जो दो बीट है उसको मैं सांस लेने के लिए छोड़ रहा हूं, लाइक सा रे, सो धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना सास, धीना धी धीना तीना धी धीना धीन धी धीना तीना सास। तो वो सास के लिए दो मात्रा, तो सा रे, एक रिदम का जो
मजा है, जो आनंद है, वो लॉन्ग नोट का मोनोटोनी को ब्रेक करता है। उसमें एक चैलेंज आता है कि धा दिस इज वन थिंग। ये झपताल में भी बोल रहा हूं, ये आप रूपक में भी कर सकते हैं, लाइक तीना धीना धीना तीना धीना धी। तो क्या हो रहा है, लॉन्ग नोट भी हो रहा है, ताल भी हो रहा है, ती तीना धीना धी सा। दो आवर्तन, अगर आप इसको और थोड़ा लंबा करना चाहते हैं तो चार आवर्तन कीजिए, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ चैलेंज, लाइक सा तो लॉन्ग नोट गाने में भी एक एनर्जी आएगा। सो दिस इज वन थिंग। और थोड़ा इसको अगर इंटरेस्टिंग करे तो लाइक पमगरिसा, ये लास्ट में हम पामागरिसा ऐड कर रहे हैं रूपक में, मानिए कि पमगरिसा तीन मात्रा। सो तीना धीना धीना तीना धीना धीना तीना धीना धीना तीना पमगरिसा। ये अगर ऐड कर दे पमगरिसा तो आपको पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि बाकी तक सा बोलेंगे, लाइक सा पमगरिसा रे। तो पमागरिसा अगर है तो रे से बोलेंगे उसका उसका ही जो पलटा होता है पमागरिसा, तो पमागरे। लेकिन लास्ट तीन मात्रा को आपको अटेंटिवली देखना पड़ेगा, लाइक सा पमागरिसा रे। तो देखिए लॉन्ग नोट रियाज हो रहा है, लेकिन वो जो एक लास्ट में टेल ऐड कर रहे हैं उससे ये चीज इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये चीज अगर झपताल में करेंगे कि फोर्थ जो आवर्तन है उसके लास्ट तीन मात्रा पम अगर ऐसा, तो धीना धी धीना तीना धी धी, अगर मतलब झपताल में करेंगे तो दो आवर्तन में करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज अ लॉन्गर साइकिल। सो धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना पम अगर ऐसा, धीना धी धीना तीना धी धीना धी धीना तीना पम अगर ऐसा रे। तो सा पमगरिसा रे तब मगरे का
इसको रियाज कीजिए, तब देखना क्लैपिंग रखना है और लास्ट तीन मात्रा भी मुझे अटेंटिवली पकड़ना है, नहीं तो अब देखेंगे ये मिस हो रहा है। तो इसको अचीव करने के लिए भी पहले जो लंबा करके सारी गा माँ बोलना पड़ रहा है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जब तक मैं फाइनली एक बार बोलूंगा और रूपक में एक बार बोल के ये वीडियो मैं खत्म करूंगा। तो सा पमगर सारे तब मगरे का निधम मगा मा सरे दब मा, चार डिजाइन या आठ डिजाइन भी कर सकते हैं। तो सा पमगर सा, दैट शुड बी द लास्ट डिजाइनिंग। अभी इसका अवरोही अगर करेंगे तो पम गरे सा, इसका उल्टा क्या होगा, मा प ध नि सा, तो पम गरे सा। तो अवरोही में सा मा प ध नि सा नि ग म प ध नि ध रे ग म प ध प सारे गा मा पा मा नि सारे गा मा गा दा रे सा रे गा रे पा दा नि सा रे सा मा पा दा नि सा। अभी रूपक में ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना द, तो ती ती ना धी ना सा पम गरे सा रे द पम गरे गा सनि दब म प नि सनि दब द करि सनि द नि गम बदनी धा रे गम पद पा सा रे गम प मा नि सा रे गम गा दा रे सा रे गा रे पदरी सरी सा मा बदरी सा आ। तो देखिए लॉन्ग नोट भी प्रैक्टिस हो गया, ताल भी प्रैक्टिस हो गया, छंद भी प्रैक्टिस हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि जो मोनोटोनी है वो चला गया। इसमें करने में एक अच्छा इसको करना है जो एनर्जी वो आपको मतलब सिर्फ एक तरह नहीं 10 तरीके से आपको इंस्पायर करेंगे कि इसको करें। सो दिस इज अ ट्रिक टू प्रैक्टिस द लॉन्ग नोट, बार बार कीजिए और इसका आनंद उठाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।